वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्लैश के चैनल के और नए वीडियो में। और फ्लैश मेरे साथ यहीं पर है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाली है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमारे 550 प्लस सब्सक्राइबर करा दिए। और एम करता हूँ मैं 1000 सब्सक्राइबर्स का। आप जल्दी से जल्दी फ्लैश की फैमिली को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पर अगर आपने फ्लैश का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, और बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं चैनल पर, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप सब शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अपना लाइक दिखा सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवॉर्मिंग। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैक्सीनेशन के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिवॉर्मिंग है। जब हम पप्पी को लाते हैं तब हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है। मुझे भी जब मैं फ्लैश में लाया था तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जब मैं वेट के पास गया तब मुझे पता लगा कि डिवॉर्मिंग क्या होती है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। डिवॉर्मिंग मतलब हमारे जो पप्पीज होते हैं, डॉग्स होते हैं, एडल्ट डॉग्स में भी, उनके जो इंस्टेंट टाइम होते हैं और स्टोमक होता है उसमें वॉर्म्स हो जाते हैं। और ये जनरल बात होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम डिवॉर्मिंग टाइम कर दें तो ये वॉर्म्स खत्म हो जाते हैं और उनके यूरिन के थ्रू या उनके पूप के थ्रू पास हो जाते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये उनके शरीर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देता है, उनकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, हेल्दी नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, जो आप अपने डॉग को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। वीडियो में मैंने आपको डिवॉर्मिंग के बारे में बहुत कुछ समझाया। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको बहुत फायदा होगा। किसी और जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे की जानी चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने टाइप की होती है, वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। होप करता हूँ कि वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और वो टाइम टू टाइम अगर हम कहीं डिवॉर्मिंग ना करें तो बढ़ने लगते हैं वो, और फिर इरिटेशन होने लगता है। फिर आप देखेंगे कि आपका पप्पी अचानक से सीमेंट चाट रहा है, मिट्टी चाट रहा है, घर में वेस्ट मटेरियल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। पार्क में अगर आप वॉक पे ले जाते हैं तो वो मिट्टी खाने की तरफ भागता है और वो घास ज़्यादा चबाने की कोशिश करता है। दूसरे डॉग्स की, दूसरे एनिमल्स की पूप पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। और ये बिहेवियर इशू आपको लगता है कि अचानक कैसे चेंज हो रहा है और आप उसे मारने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फिजिकली भी परेशान हो रहे हैं और मेंटली भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद इरिटेशन हो रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें क्यों मार रहे हैं। मारने से अच्छा सोल्यूशन होता है कि टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करना। और डिवॉर्मिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पप्पी से लेकर डॉग्स और एडल्ट डॉग्स तक भी हर महीने शेड्यूल होता है डिवॉर्मिंग का, और वो शेड्यूल भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है और फायदे क्या हैं। तो डिवॉर्मिंग ना करने से सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके पप्पी की लाइफ कम हो सकती है, वो हमेशा इल रहेगा, बिहेवियर इशू आ सकते हैं, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम ना होने से इंटरनली इम्यून नहीं रहेगा डिजीज से, छोटी छोटी बीमारी भी अगर आएगी तो वो जल्दी बीमार पड़ने लगेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, जो हम चाहते हैं कि हमारा डॉग एक्टिव हो, खेले हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ खेले, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेले, वो एक्टिविटी धीरे धीरे लॉस होती आपको दिखेगी। खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, खाना पसंद नहीं करेंगे, और जब भी खाना छोड़ देंगे इन पेट के वॉर्म्स, इंटेस्टाइन के वॉर्म्स के इरिटेशन की वजह से, तो उनकी हेल्थ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। आपको वेट बहुत विजिट करना पड़ेगा लगातार वेट के पास, कितने भी मेडिसिन अगर आप टाइम टू टाइम दें, बहुत लंबा मेडिकेशन प्रोसेस चलने लगेगा। और ये सब जो है ये सब दूर हो सकता है बस आप टाइम टू टाइम अगर डिवॉर्मिंग करते रहें। तो यही कुछ नुकसान है, जैसे उनके एज के बारे में नुकसान। अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो तीन नुकसान होते हैं, एक उनके एज पर, एक उनकी एक्टिविटी पर, और एक उनकी हेल्थ पर, उनकी इम्यूनिटी, उनकी एज, वो जो लंबा जी सकते थे, हेल्दी लाइफ जी सकते थे और बहुत ही एनर्जेटिक रह सकते थे, वो एनर्जी लॉस होती दिखेगी आपको। इसलिए डिवॉर्मिंग आपको टाइम टू टाइम करना ही चाहिए। आप एक रिकॉर्ड रख सकते हैं डिवॉर्मिंग का कि हमने किस डेट पर किया है और किस डेट पर करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिवॉर्मिंग के फायदे क्या होते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया फायदे होते हैं डिवॉर्मिंग के। आपको पप्पी जब आपको देखेगा तो बहुत खुशी से स्माइल करेगा, आपके साथ खेलने के लिए अट्रैक्ट होगा, उसकी टेल वैग करती हुई एनर्जी जो आपको, जब आपको देखेगा तो एनर्जेटिकली आपके पास खेलने आएगा, बॉल अगर आप फेंकेंगे तो बहुत मजे से बॉल लेकर आएगा, पार्ट्स में अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं दूसरी डॉग्स के काऊ के पूप इन सब की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, खेलने पर ज़्यादा फोकस करेगा, खाना बढ़िया से खाएगा, हेल्दी रहेगा, इम्यून रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये सभी फायदे होते हैं डिवॉर्मिंग के। और अगर आप, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको डिवॉर्मिंग के बारे में बता दिया, उसके फायदे बता दिए, उसके नुकसान बता दिए, क्यों जरूरी है आपके पप्पी के लिए, आपके डॉग के लिए। अब डिवॉर्मिंग
के कुछ टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी होती है हमारे पपीज के लिए, हमारे डॉग्स के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी एज पे, इनकी लाइफ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग करने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मेडिसिनल और एक होता है होम मेड। मेडिसिनल जैसे फ्लैश के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब फ्लैश छोटा था तो उसकी सिरप आती थी एक, और वो सिरप में 5 ml इसके वेट के अनुसार देना पड़ता था। अब फ्लैश जैसे बड़ा हो गया तो 4 months जब फ्लैश एज इसका हो गया था, तब मैंने टैबलेट शुरू किया था और ये टैबलेट मैं इस्तेमाल करता हूँ फ्लैश की डिवॉर्मिंग के लिए, मुझे इसके रिजल्ट सही आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे देना चाहिए। सिरप जैसे मैंने आपको बताया 5 ml, वैसे टैबलेट में होता है कि इसका वेट मेजर करता हूँ मैं फ्लैश का, और हर 10 kg पे एक टैबलेट देना होता है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आप अपने वेट से कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी लिखा रहता है अगर आप चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फ्लैश का वेट अभी 28 kg आया था, तो मैंने इसमें 2.5 tablets इस्तेमाल किया था फ्लैश के लिए, और डिवॉर्मिंग 25 दिन में एक बार। स्केड्यूल भी बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पपीज का स्केड्यूल अलग होता है टाइमिंग, और एडल्ट डॉग्स का 4 months अबव या 1 year अबव या उससे भी 5 year अबव अलग अलग होता है, क्वांटिटी अलग होती है, क्योंकि उनकी जो डाइजेशन है वो वीक होने लग जाती है, इसलिए डिवॉर्मिंग पे भी असर होता है। तो पपीज के लिए 15 डेज में एक बार, और 4 months अबव या 5 months अबव जब डॉग बढ़ने लगे तो 25 दिन में एक बार, और जब उससे भी ऊपर होने लगे तो 20 डेज में एक बार करना जनरली एक इम्पोर्टेंस होती है डिवॉर्मिंग की। और ये टैबलेट आप भी ले सकते हैं, आपको इससे फायदा होगा, आप और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। अब बात आई कि होम मेड, मेडिसिनल तो हो गया, लेकिन जैसे कोरोना का लॉकडाउन अभी लगा था और बहुत सारे शॉप्स अमेजोन पे भी बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो मैंने रिसर्च किया, अपने बेड से कंसल्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो ये पंपकिन रखा है, ये फ्लैश के डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और फ्लैश की आफ्टरनून डाइट में ये जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ये है पंपकिन के सीड्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको बता दूंगी क्यों। तो मैं जो आपको होम की कह रहा था मेडिसिन और इंग्रेडिएंट, वो यही है पंपकिन की सीड्स। इसका मैं पाउडर बना लेता हूँ, आपको दिखा दूंगी मैं पाउडर जो बनाता हूँ वो कैसा होता है। ये देखिए, ये है पंपकिन सीड्स का पाउडर, जो मैं सीड्स को पहले सुखाता हूँ, फिर मिक्सर में उन्हें ग्राइंड करके ऐसा पाउडर बना लेता हूँ। और ये मैं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करता हूँ जो हमारे किचन में है, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे, वो ये है। काफी सेंचुरीज से इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे इंसानों से लेकर डॉग्स तक में भी ये फायदा करता है। तो ये कुछ होम इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने पंपकिन के सीड्स निकाले पंपकिन से फ्लैश को डाइट में देने के बाद, उनको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, हल्दी उनमें मिक्स कर दिया, और उसको फ्लैश की डाइट में जब मैं मिला के देता हूँ तो मुझे डेली डेली इसका इस्तेमाल भी 25 दिन में एक बार करता हूँ, लेकिन इससे मैं क्या करता हूँ डेली डेली कुछ एक चम्मच अगर मिला के देता हूँ तो वो भी डिवॉर्मिंग नेचुरली होती रहती है। और डिवॉर्मिंग करने से क्या होता है, जब फ्लैश वॉक पे जाता है तो बाहर की चीजें नहीं खाता, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो होममेड मैंने आपको बता दिया, मेडिसिनल बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि करते कैसे डिवॉर्मिंग। अब आप एक वीडियो देखिए जो मैंने फ्लैश के साथ बनाया कि डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका क्या है, उसमें आपको सब पता लग जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने डिवॉर्मिंग के बारे में बहुत कुछ इस वीडियो में तो जान लिया कि डिवॉर्मिंग क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे की जानी चाहिए वो आपको बताता हूँ। डिवॉर्मिंग के टाइप्स भी हमने देख लिए, अब मैं सिंपल तरीके से आपको फ्लैश के साथ दिखा देता हूँ कि मैं फ्लैश की डिवॉर्मिंग कैसे करता हूँ। और बहुत सारे डॉग्स क्या करते हैं, वो टैबलेट्स को मतलब देख के स्मेल करके छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन फ्लैश ऐसा नहीं है, फ्लैश बहुत समझदार है। और मैं भी इसके साथ थोड़ा ट्रिक कर लेता हूँ, आसान तरीके से आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि फ्लैश की डिवॉर्मिंग कैसे करता हूँ मैं, आप भी अपने डॉग्स की ऐसी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिवॉर्मिंग के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, अब कैसे करना चाहिए डिवॉर्मिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि ये टैबलेट है फ्लैश की डिवॉर्मिंग की, और उसका डाइट रखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉग को जब आप टैबलेट डायरेक्ट देते हैं तो वो बैड स्मेल की वजह से हटा देते हैं, च्यू करके भी उगल देते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर उनके डाइट में ही मिला के दे दूं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो उनके डाइट के स्मेल में मिल जाता है, और वो फ्लैश आराम से, जैसे उसमें एग, सोयाबीन, डॉग फूड ये सब मिला हुआ है, तो फ्लैश को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है और वो अपना मेडिसिन ले लेता है। और डिवॉर्मिंग जरूरी है इसलिए क्योंकि जैसे वॉक पे जाता है फ्लैश
तो कहीं मिट्टी ना खा ले, किसी और का पूप ना खा ले, तो पेट के वॉर्म्स को शांत करने के लिए डिवॉर्मिंग जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं करके। फ्लैश स्टे पोजिशन में तब से फ्लैश उसको ब्रेक कर दीजिए स्मॉल पीसेस में थोड़ा थोड़ा, और मैंने डाल दिया है टैबलेट फ्लैश स्टे पोजिशन में। अब 1 2 3 गो फ्लैश। अब वो जैसे उसने खाना शुरू कर दिया तो वो आराम से उसका टैबलेट जो है वो खा चुका है फ्लैश, और उसको कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम आई और ना कुछ। अगर आपको भी देखना है कि कौन सा टैबलेट मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये टैबलेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्लैश के लिए भी, डिफेंडर प्लस, और मुझे इसका रिजल्ट बहुत सही लगा है फ्लैश के डिवॉर्मिंग। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि आपके डिवॉर्मिंग के बारे में तो आपको कन्फ्यूजन रह गई होगी और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फ्लैश यहीं पर है मेरे साथ सो रहा है आराम से, और ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। और अब मैं वैक्सीनेशन के बारे में और बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपने शायद ज्यादा नहीं उसके बारे में सुना होगा। मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ ताकि आपके पास सिंपल भाषा में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ। तो चैनल को अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कोई कमेंट फ्लैश के लिए, अगर कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय। ठीक।